मेरे प्यारे धर्मपुत्रों धर्मपुत्रियों धर्म की साधना करते हो और धर्म की सेवा करते हो, दोनों ही अत्यंत कल्याण देने वाले, अत्यंत मंगल देने वाले हैं। भगवान ने कहा धम्म रसं सब रसं जिनाति। दुनिया में कोई ऐसा रस नहीं है जो धर्म के रस का मुकाबला कर सके। जिसने धर्म का रस चख लिया उसके लिए बाकी सारे रस फीके पड़ गए। दुनिया का सबसे ज्यादा मीठा रस धर्म का रस होता है और वो कोई चमत्कार से नहीं प्राप्त होता, स्वयं तपस्या करने से प्राप्त होता है, स्वयं साधना करने से प्राप्त होता है। तो अच्छा है, साधना कर रहे हो, धर्म का रस चख रहे हो। और फिर कहा धम्म दानं सब दानं जिनाति। किसी प्रकार का दान हो, कितना ही बड़ा दान हो, कोई धर्म के दान का मुकाबला नहीं कर सकता। धर्म का दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी को रोटी देते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, उसका पेट भरा, अच्छी बात हुई, अच्छा दान है। कल फिर भूखा हो गया, हो ही जाएगा, हमेशा के लिए पेट नहीं भरता। प्यासे को पानी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी प्यास बुझी, फिर प्यासा हो जाएगा, हमेशा के लिए प्यास नहीं बुझेगी। नंगे को कपड़ा देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद कपड़े फट जाएंगे, फिर कपड़ा चाहिएगा। रोगी को दवा देते हैं, फिर कोई रोग लग गया, फिर दवा चाहिए। ये सारे दान बहुत अच्छे दान हैं। किसी की जरूरत को पूरा करना बहुत अच्छे दान हैं। धर्म का दान किसी को दे दें तो सारे जीवन उसके साथ रहता है, और जीवन ही नहीं जन्म जन्मांतरों तक साथ रहता है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने का साधन मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई, उसका कोई मुकाबला नहीं। धम्म दानं सब दानं जिनाति। और एक प्रकृति का नियम है, बहुत बड़ा नियम है, कि जैसा बीज बोते हैं उस बीज के अनुसार ही फल आएगा। आम का बीज बोएंगे तो आम ही आएगा, उसमें और कोई फल आ नहीं सकता। तो दान का बीज, हम किसी को भोजन देंगे तो हमारे लिए कई गुना बढ़ करके भोजन प्राप्त होगा, इस जीवन में भी, आगे के जीवनों में भी। जो दान देंगे, पानी दान देंगे पानी प्राप्त होगा, विद्या दान देंगे विद्या प्राप्त होगा, धर्म दान देंगे तो धर्म प्राप्त होगा, कई गुना बढ़ा चढ़ा धर्म प्राप्त होगा। तो धर्म दान क्या होता है उसे समझें। एक धर्माचार्य धर्म की पीठ पर बैठ करके लोगों को आनापान सिखाता है, विपश्यना सिखाता है, मैत्री करना सिखाता है, ये उसका धर्म दान है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि धर्म दान केवल आचार्य से नहीं दिया जा सकता। कोई ये समझे कि अब मैं तो धर्म की गद्दी पर बैठ गया, जो आएगा उसको मैं सिखा दूंगा, कोई नहीं आएगा और न सिखा पाएगा। उसके लिए व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए स्थान बनाने होते हैं। तो जो धर्म के दान में किसी भी प्रकार की सहायता करता है वो धर्म दान का सहयोगी हो गया, वो भी धर्म दान देने वाला हो गया। कोई सेंटर बनने में सहयोग बना देता है, रुपये पैसे से दान देकर करता है, लाभ हो गया। कोई भोजन इत्यादि देता है शिविर में, उसको लाभ, धर्म दान का लाभ है, वो भोजन का दान नहीं है। इसी तरह से अगर मैनेजमेंट करने वाले ना हो तो आचार्य क्या सिखाएगा, कैसे सिखाएगा? धर्म सेवक ना हो तो कैसे सिखाएगा? धर्म सेविकाएं ना हो तो कैसे सिखाएगा? तो वो सारे धर्म दान के पात्र सबके सब उससे मिल करके दान दे रहे हैं। तो इन सब का पुण्य है, केवल आचार्य का पुण्य नहीं है। आचार्य अकेला नहीं सिखा सकता, उसके साथ और लोग होने ही चाहिए। मैं बर्मा से पहले पहल आया तो कठिनाई यही थी, कैसे शिविर लगेगा। हमारे गुरु जी ने बड़े ढाढ़स बंधाते हुए कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने आप काम होगा। काम होगा कैसे? काम होगा, 2500 वर्ष पूरे हो गए, अब धर्म को जाना है भारत में, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कैसे चिंता नहीं करूं? एक तो मैं गृहस्थ हूं, कोई पीले कपड़े पहन के सन्यासी हो तो लोग इसी मारे आ गए, पता नहीं बाबा कुछ दे देगा, कुछ कल्याण कर देगा, कुछ वरदान दे देगा, पता नहीं इसके पास क्या चमत्कार है, गृहस्थ भाई में मेरे पास कौन आएगा? और फिर आए भी और मैं 10 दिन रहो
तो कौन रहेगा हमारे पास, घर छोड़कर कौन हमारे पास रहेगा, कोई हमें जाने नहीं पहचाने नहीं। हमने लिस्ट बनाई कि भारत में आने के बाद कौन कौन हमको जानने वाले हैं, जिनको जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं। तो लिस्ट 100 के ऊपर नहीं गई, करोड़ों की आबादी वाला देश, उसमें 100 आदमी मुझको नहीं जाने, तो कौन शिविर आएगा, और आए भी तो कौन शिविर लगाएगा, कहां जगह मिलेगी, 10 दिन तक कौन मैनेज करेगा, एक महीने के भीतर भीतर हो गया, कैसे हो गया। किसी ने बड़ी हिम्मत की कि मैं मैनेज करूंगा, किसी ने बड़ी हिम्मत की मैं जगह लेके दूंगा किसी धर्मशाला में, ऐसे लोग खड़े हो गए, धर्म सेवा करने लगे। तो उनका पुण्य कितना बड़ा पुण्य है, मैं चाहता कि लगाऊं मैं, तो कैसे शिविर लगाता है। हमारे गुरु ने हमको परमिशन दे दी तो सिखा, हम भी चाहते हैं सिखाएं, ये विद्या भारत से लुप्त हो गई, सिखाएं अब, तो कैसे सिखाएं, कौन आए हमारे पास, और कौन आए तो भी कौन उनकी व्यवस्था करे, कहाँ व्यवस्था हो, ना जगह है, ना स्थान है, ना कोई लगाने की के, के सेवा करने वाले लोग हैं, ना मैनेज करने वाले लोग हैं। तो ये सारे अपने आप जो खड़े हो गए, अभी भी उनको याद करता हूँ कि उनके पुण्य का क्या ठिकाना। पहला शिविर जिन्होंने लगाया भारत में, वो सारे के सारे धर्मदान में साथी हमारे, तो वो ही नहीं, फिर उसके बाद दो शिविर लगते चले गए। हर शिविर में जिन लोगों ने मैनेजमेंट किया, जिन लोगों ने धर्म सेवा दी, वो सारे धर्म दान में साथी हमारे, तो उनको सबको पुण्य। जो दान दिया गया धर्म का, एक व्यक्ति का भी जीवन सुधरा तो कितनी बड़ी बात हुई, छोटी बात नहीं होती है। जीवन भर के लिए उसको साधन बन गया, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आ गए वो नहीं घबराता, वो नहीं घबराती, उसका मन शांत है, उसका मन समता में है। और फिर मृत्यु इतनी अच्छी होती है, परलोक भी सुधर गया, लोक सुधरा, परलोक सुधरा, अरे इससे बढ़कर और क्या होगा। मैं खुद भी देखता हूँ, जो सेवा करने वाले हैं वो भी देखते हैं, मैनेज करने वाले वो भी देखते हैं। शिविर में जब लोग आते हैं तो सबके चेहरे मुरझाए हुए, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है। 10 दिन होने पर क्या हालत होती है, लोगों के चेहरे देखते हो ना, कैसे खिल जाते हैं, अंदर से हृदय खिल जाता है, चेहरा खिल जाता है, मुस्कान ही मुस्कान, अरे इतना प्यार, इतना प्यार। जो आदमी कितना क्रोधी था, कहाँ गया इसका क्रोध, कैसे प्यार ही प्यार जागता है। जो आदमी अहंकारी था, कहाँ अहंकार गया, अब तो मैत्री जागती है, मन खुश होता है ना उसको देख करके, देखिए आदमी कितना बदल गया, देखिए आदमी कितना बदल गया। और फिर खबर आती रहती है, बाद में खबर आती है कि देखो वो लिखता हमको इतना, हमारा इतना लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया। तुम भी मिलते हो किसी पुराने साधक साधिका से, और वो कहे कि हमको देखो इतना लाभ हो गया, अभी लाभ हो गया। अभी एक भाई नेत्रहीनों का लीडर, वो बता रहा था कि हमारा तो शिविर लेते ही हमारा इतना बदल गया, हमारा तो जीवन ही बदल गया, हमको इतना लाभ। मन प्रसन्न होता है ना, कितना मन खुश होता है। किसी भूखे को रोटी देकर के मन खुश होता है ना, कि देखो बेचारा भूखा था, उसकी रोटी मिल गई, पर जानते हैं कि फिर भूखा हो जाएगा तो। और ये दान दे करके, अरे ये तो ऐसा दान है कि रात दिन बढ़ता ही जाएगा। जिसको मिल गया वो रात दिन नहीं, रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसको रखने की लियाकत होनी चाहिए, दान तो हमने दे दिया, अगर वो ठीक से रखता है उसे, तो सारा जीवन कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये समझते। अहंकार जगाने के लिए नहीं, धर्म सिखाने वाला भी अहंकार जगाए, देखो मैंने कितने आदमी को धर्म सिखा दिया, मेरे जैसा कौन महान व्यक्ति है, तो पागल हो गया, उसको धर्म आया ही नहीं। ऐसे सेवा करने वाले भी, देखो हमारी सेवा से शिविर लगा, हमने सेवा करते तो शिविर कैसे लगता, तो अहंकार जगा लिया, अपना नुकसान किया। ये समझना चाहिए कि देखो हमें भी अपनी पारनी जगानी है। 10 पारनियों में से सबसे बड़ी पारनी एक दान की पारनी होती है, और हम गृहस्थों के लिए तो बहुत जरूरी है दान की पारनी। तो और रुपये पैसे का दान देते हैं वो अपनी जगह, अरे ये धर्म की सेवा का दान तो हमारी पारनी बढ़े ना। तो जो जो लोग आए हमको ये, हमारे से धर्म का दान लेने के लिए, शिविर में आने के लिए जो लोग आए, उनका उपकार मानते हैं, हम भी उपकार मानते हैं, सबका उपकार मानना चाहिए। अरे तुम्हारी वजह से हमारी दान की पारनी बढ़ी, नहीं तो कैसे बढ़ती, हम दीवार को थोड़ी देते धर्म, पेड़ों को थोड़ी देते धर्म, तुम लोग आए तुमको धर्म दिया, हमारी पारनी बढ़ी ना, हमारी पारनी। ऐसे हर सेवा करने वाले के कि भाई क्या मिला इससे, बहुत बड़ी बात मिल गई, हमारी पारनी बढ़ी, हमारा पुण्य बढ़ा। और फिर दान धर्म का भी है तो हमारे धर्म और पकेगा, और पकेगा, बात भी ठीक है। एक शिविर में एक बार बैठे और फिर एक शिविर में सेवा करे, सेवा करे तो देखिएगा शिविर में बैठने से जो लाभ हुआ उससे कहीं ज्यादा लाभ सेवा का हो गया। क्योंकि सेवा की तो उस समय, सारे दिन भर तो सेवा करनी नहीं होती, सेवा की उतनी देर की बाकी ध्यान करेंगे, और ध्यान करेंगे और सेवा करेंगे तो जो ध्यान में सीखा है उसको अब अप्लाई करके देखने लगे। लोगों के साथ जो साधक आए हैं उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, हमने सीखा है कि सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, मैत्री का करना चाहिए, करुणा का करना चाहिए, लेकिन कच्चे हैं अभी, किसी को देखा बातें करते हैं तो
तो पुलिसमैन की तरह बात करते तो यहां पर चुप रहना है ना, तो सीखा नहीं धर्म। तो यहां पुलिसमैन करने होने आए कि पुलिस वुमन होने क्या करने आए, क्या करने आए यहां पर, सेवा करनी है ना, तो हाथ जोड़ करके नहीं बात नहीं करनी बस। तो सीख गए कि लोगों के साथ उनको कैसे व्यवहार करना है, अपनी मैत्री कैसे जगानी है, करुणा कैसे जगानी है, नहीं तो गुस्सा जगाएं, उनको उनका क्रोध जगाएं, तुम अनुशासन नहीं मानते। तो ये भूमि पर रह करके 10 दिन सेवा की, तो यहां पर लोक व्यवहार हमारा कैसा हो वो सीखने के लिए सेवा कर रहे हैं। वो सेवा करते करते लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, अरे लोगों में तो नेगेटिविटी होगी ही, हम सारी दुनिया को कहां बदलने जाएंगे, जो शिविर में आते हैं उनको भी कहां बदलने जाएंगे, कोई नियम को मानता है कोई नहीं मानता है, कुछ करता है कुछ गड़बड़ करता है, बड़े प्यार से देख भाई तेरे भले के लिए कहा ना गुरुजी ने बताया ना कि यहां पर मौन रहना है, ये अनुशासन है, ये नियम है, इत्यादि इत्यादि, बड़े प्यार से। तो आ गया यहां, ऐसा करना आ गया तो बाहर भी आ जाएगा। ये सीखने की भूमि है, यहां पर धर्म को अपने जीवन में उतारने का एक मौका मिला, इस मौके को हम उसका लाभ उठाए और अब बाहर जाएंगे तो उसको और अप्लाई करके देखेंगे। तो सीख रहे हैं हम, जो साधना करते हैं वो केवल अंतर्मुखी होने के लिए नहीं, अंतर्मुखी होकर के एक विद्या सीखी, अब बहिर्मुखी होकर के उसको जीवन में अपनाना सीखें। तो ऐसे क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अपनाना आसान है, गलती हुई तुरंत होश आ जाएगा, अरे मैं धर्म भूमि पर, तपोभूमि पर मैंने क्रोध किया, तपोभूमि पर मेरे मन में द्वेष जागा, तपोभूमि मेरे मन में वासना जागी, कोई भी खोट जाएगा तुरंत होश आएगा, अरे क्या होने लगा, ये क्या होने लगा, आसान हो गया। तो तपोभूमि पकने के लिए सेवा दे रहे हैं तो अपने आप को पका रहे हैं, लोगों की तो सेवा हो रही है उससे बड़ी अपनी सेवा हो रही है, कितनी बड़ी सेवा हो रही है, देखो अपने आप को पका रहे हैं, हमको पकाने का मौका मिल रहा है, बाहर तो कौन क्या स्थिति है पता नहीं, हम अपने कैसे पका सकेंगे और यहाँ तो पका सकेंगे, कितने लोग शांति से कर रहे हैं सेवा, शांति से काम कर रहे हैं, कोई कोई जाए उखड़ता है तो कैसे हम प्यार से अच्छा चलो जो आचार्य हैं उनके पास चलो, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उनसे बात करो, अपनी ओर से सिखाना नहीं, कभी गलती हो जाएगी, कभी भी किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे जाना किसी साधक को, नहीं तो भूल हो जाएगी, जब तक अधिकार नहीं है तब तक नहीं। तो जिसको आचार्य बनाते हैं, साहब आचार्य बनाते हैं, उनको अधिकार है तो बाहर की धर्म की शक्तियां उनको मदद करती है, अपनी ओर से तो जितना नियम है उसके बाद भले देखिए ये नियम है आपको मानना चाहिए, ऐसे बड़े प्यार से, कोई उसको उलझे ना तकलीफ है कोई साधना संबंधी तो बड़े प्यार से उसको जो भी आचार्य है उसके पास ले जाए, उससे बातचीत कराए, बहुत बड़ा, इससे बड़ी सेवा क्या होगी। किसी रोगी की सेवा करके मन प्रसन्न होता है कि बेचारा रोग से मुक्त हो रहा है, इससे बड़ा रोग क्या होगा। आदमी राग का रोगी है, द्वेष का रोगी है, अहंकार का रोगी है, वासना का रोगी है, भय का रोगी है, अरे उस रोग के बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो हम सब नर्स हैं, हम लोग मेल नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, हमारा काम तो नर्स का है, डॉक्टर अपना काम करे, हम तो सेवा करेंगे और जिस तरह की सेवा अच्छी से अच्छी हो उसकी बड़े प्यार से वैसे सेवा करेंगे, बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़े भाग्य से मिलता है ये भी। माने धर्म देना चाहते हैं हम, धर्म के काम में हम भी धर्म दान का अपनी पार में बनाना चाहते हैं, अरे कोई आएगा नहीं, शिविर लगेगा नहीं तो कैसे करेंगे, शिविर लगने लगे हैं, एक आश्रम बन गया है, तपोभूमि बन गई है, लोग आ रहे हैं, हमको जब जब समय मिलता है हम आके अपनी सेवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारी पार में बढ़ती है, ये भाव सबके भीतर रहना चाहिए और जागते रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, तपोभूमि में रहते हुए हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं हो रही ऐसे, और बिल्कुल विनम्र भाव से, कहीं मेरे में अहंकार तो नहीं जाग रहा, मेरे में कहीं अहंकार तो नहीं जाग रहा, सेवा का भी अहंकार, और देख मैंने कितनी बड़ी सेवा की, वो आदमी इतना व्याकुल था और शिविर में आया तो मैंने उसकी सेवा की तो सारा व्याकुलता निकल गया, उसको मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन, अरे बावले हो गए, तूने उसकी सेवा करके अपना नुकसान कर दिया, सेवा की पुण्य कमाने के लिए और तूने तो अपुण्य कमाया, क्या किया अहंकार जगाया ना, तो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग हम कहते हैं बार बार दान दिया, स्कूल बनाई अहंकार जगाया, हमारा गोविंद का स्कूल नाम होना चाहिए, गोविंद का अस्पताल, अरे पागल आदमी तेरा दान भी खराब गया, मट्टी में गया, तूने यश के लिए किया, यश मिली और बात खत्म हो गई, अब पुण्य कहा, तुम्हें तो गया तेरा। तो उसी तरह धर्म सेवा करने वालों भी अहंकार जगाए, अरे हमने देखो कितनी सेवा की, हमने देखो 10 दिन ज्यादा सेवा की, मैंने 2-10 दिन की सेवा की, मैंने 10-10 दिन सेवा की, अरे कौन रिकॉर्ड रखता है कितनी की कितनी रहेंगी, उससे क्या लेना देना, हमने सेवा की लोगों के भले के लिए की, लोगों के भले के लिए की, हम धर्म का दान दे रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से दे रहे हैं, विनम्र भाव से दे रहे हैं, उसमें दान देते वक्त अहंकार आ गया तो समझो दान नहीं है, फिर कोई दान नहीं है, फिर तो अपना अहंकार जगाने के लिए है। अपने यहाँ एक घटना, भारत में अकबर का एक मंत्री था, बीरबल नाम सुना होगा, बहुत विद्वान आदमी, बड़ा अच्छा कवि भी, और धर्म में बिल्कुल भारत के धर्म को बहुत अच्छी तरह समझा हुआ, उसके दोहे हमने उनके दोहे पढ़े पहले,
आरंभ हमारी पढ़ाई हिंदी की उससे हुई, रहमन सुधा उसके रहन के दोहों से, उसके जीवन की एक घटना। लोग वो रोज सुबह बैठ जाता अपने घर के आगे चबूतरे पर और जो आए उसको मुट्ठी भर करके दान दिया जाए, जो आए मुट्ठी भर के दान दिया जाए, उसका सिर नीचा रहे। लोगों ने पूछा, भाई तुम दान देते हो तो ठीक है, ये तुम सिर नीचा क्यों रखते हो? कि देवन वारो ओर है और देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें या ते नीचे नैन। लोग ये न समझे मैं दे रहा हूं, अरे देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम बन गया, इसलिए नजर नीचे रखता है, नजर नीचे। ये भारत की महानता, ये धर्म की महानता। अहंकार आने ना पाए, बिल्कुल निरहंकार होकर के, अरे भाई इनको धर्म मिल रहा है तो इनका भी कोई पुण्य है पुराना, इसलिए इनको धर्म मिल रहा है, इनका कोई पुण्य इनको खींच के ले आया। हम तो माध्यम बन गए, हम तो माध्यम बन गए। हमको लाभ ये हुआ कि हमारी प्रार्थना बढ़ गई, हमारी दान की प्रार्थना बढ़ रही है, देखो दान की प्रार्थना बढ़ रही है, सेवा की प्रार्थना बढ़ रही है, उसमें हम खुश हैं। अहंकार नहीं जागने पाए, अहंकार नहीं जागे और कड़वी बात भूल कर भी नहीं बोले। कभी पुलिस मैन का काम नहीं करना है, पुलिस वुमन का काम नहीं करना है, सेवक का काम है, सेविका का काम है। एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखने की है, जो भी बाहर के साधक आते हैं वो हमेशा ये देखते हैं, ये सिखाने वाला कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये सेवा करने वाले कैसे हैं, इनका व्यवहार कैसा है। धर्म की गद्दी पर बैठ करके और जो साधक आया है, साधिका आई है, उससे वो कड़वी बात करे तो उससे बड़ा दोष और कोई होता नहीं। वो कैसे धर्म सीखेंगे? उनके मन में झट आएगा, ये सिखाने वाले के मन में अभी धर्म नहीं आया, ये कड़वी बात करता है, क्रोध से बात करता है, तो हम इसके बाद क्या सीखेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार जो सेवा करने वाले हैं उनके नजरों में ये नमूने हैं, ये देखो तो बहुत धर्म पके हैं इसीलिए सेवा कर रहे हैं, अरे इनको इनमें भी धर्म नहीं जाएगा। ये बात करते हैं तो कितनी कटु बात करते हैं, कितनी कड़वी बात करते हैं, कितनी अहंकार की बात करते हैं, तो हम क्या सीखेंगे यहाँ आकर, क्या सीखेंगे हम? उन बेचारों का उत्साह मर जाएगा। तो हम आए हैं यहाँ पर धर्म की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, हम उनको दूर दूर भगाने लगे, धर्म से दूर भगाने लगे। तो बहुत सजग रहना है कि हमको एक एक आदर्श, कैसा साधक कैसी साधिका होती है, धर्म से कैसे उनका व्यवहार बदलता है, इसका एक नमूना पेश करना है। जो लोग आए उन पर इम्पैक्ट पड़े, अरे कैसे अच्छे लोग हैं, पड़ता है इम्पैक्ट। बहुत लोग आके हमको कहते हैं कि आपके यहाँ के धर्म सेवक और धर्म सेविका देख करके, उनके सेवा देख करके हम गदगद हो जाते हैं, इतनी नम्रता से सेवा करते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, तो अच्छा होता है। लोग आते हैं और उनमें से कोई कोई कटु बात करने लगे, कड़वी बात करने लगे, चिल्ला कर बोलने लगे, तो क्या होगा उनके मन में? होगा भाई आपके यहाँ कोई तो खराब भी है, थोड़े बहुत उनको सुधारिए, थोड़े बहुत खराब है उनको सुधारिए, और सब ऐसे हो जाए खराब तो कोई नहीं आएगा, ये सारे की सारे तपोभूमि खाली हो जाएगी, कोई शिविर नहीं लगेगा। तो बहुत जिम्मेदारी है, एक और अपना पुण्य कमा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, एक और लोगों में प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म के रास्ते आए। एक भी आदमी हमारे व्यवहार की वजह से धर्म न छोड़ दे, उसमें यह न जाग जाए कि देखो इन्होंने क्या धर्म सीखा, ये लोग क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आपस में झगड़ते हैं, कोई ऐसी बात क्या है कि अरे यहाँ तो गुटबाजी है, कुछ लोग एक प्रकार के हैं, कुछ एक प्रकार के हैं और आपस में लड़ते हैं। कभी कभी ऐसी बात अनेक संस्थाओं में होती रहती है, हम तो मराठी हैं, तो हम तो गुजराती हैं, तो हम तो राजस्थानी हैं, तो हम तो मद्रासी हैं, तो हम तो बंगाल। अरे बाबा धार्मिक हो तुम, इंसान हो, मनुष्य हो, बोलो ये सारी बातों को, निकम्मी बातें। न तो धर्म सेवक के मन में ऐसी बात आए और न ही सिखाने वाले के मन में ऐसी बात आए। यहाँ आने के बाद जैसे भगवान ने कहा, नदियाँ भिन्न भिन्न नदियाँ, मानो गंगा भी, यमुना भी, इरावदी भी, गोमती भी, जितनी नदियाँ हैं सबके अलग अलग पानी, लेकिन जाके गिरती हैं सारी समुद्र में, तब कहाँ पहचाने कौन सी पानी है, कौन सी नदी का पानी है। सबका एक रूप हो गया और सबका एक रस हो गया, सब एक रस वाले हैं। किसी को उठा कर पानी का एक बूंद में रखो, पहचान नहीं पाओ गंगा का पानी है कि कावेरी का पानी है, किसका पानी है, कुछ नहीं। ऐसे ही जो धर्म में आ गए, बात पीछे गई सारी बात, हम ब्राह्मण हैं कि शुद्ध हैं कि क्षत्रिय हैं, कि हम बंगाली हैं कि हम गुजराती हैं, कि सब खत्म, कि हम भारतीय हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हम यूएसए के हैं, सब लिंग भिन्न नहीं, मनुष्य हैं हम, धार्मिक हैं हम, धर्म के रास्ते। तो आदर्श लोगों को हुआ, देखो ये धर्म में कैसे पके, इनके यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना गोत्र है, इनके यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं, ना कोई संप्रदाय है, ना कुछ है, ये सारे के सारे धार्मिक लोग, धार्मिक लोग, धार्मिक लोग, कितना उत्साह आएगा लोगों को। तो आदर्श खड़ा करना है, आदर्श तब खड़ा करोगे, खुद साधना करते रहोगे,
बराबर साधना नहीं करोगे तो ऊपर ऊपर से दिखावा करोगे आदर्श होने का, वो भी गलत हो गया। तो जो जो धर्म सेवक है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बात का प्रण लें कि हम अपनी सुबह शाम की साधना नहीं छोड़ेंगे। जो सुबह शाम साधना नहीं करता वो सेवा करने आता है और फिर किसी को कह देगा कि देखो वो भी कहती है ना रोज सुबह शाम करनी चाहिए, मैं तो नहीं करता लेकिन तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें करनी चाहिए, क्या होगा? अरे कैसे लोगों में प्रेरणा जाएगी? और नहीं करोगे तो वो आदर्श कैसे बनोगे? कैसे तुम्हारे भीतर ऐसी योग्यता जागेगी कि सचमुच धर्म के आदर्श हो गए? नहीं तो दिखावा हो जाएगा। और दिखावा नहीं धर्म में, बिल्कुल दिखावा नहीं। भीतर से नम्रता आनी चाहिए, भीतर से मैत्री जागनी चाहिए, करुणा जागनी चाहिए, तो देखोगे कि धर्म दान बहुत अच्छा दान हुआ। नहीं तो दान जो दिया वो मैला हो गया, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। दान को मैला नहीं करेंगे और दान को मैला तभी नहीं करेंगे जब मन को मैला नहीं होने देंगे। मन को निर्मल रखेंगे तो दान हमारा बहुत निर्मल रहेगा, और मन को निर्मल तब रखेंगे जब रोज की सुबह शाम की साधना होगी। साल में एक बार 10 दिन का शिविर बैठेंगे ही, रोज सुबह शाम की साधना करेंगे ही, अपना भला करेंगे। जो अपना भला नहीं कर सका वो दूसरे का भला कैसे करेगा? जो स्वयं कमजोर है किसी दूसरे कमजोर आदमी कैसे सहायता करेगा? तो पहले अपना भला करें, मजबूत बनाए अपने आप को, फिर देखें सेवा भी कितनी मजबूत होने लगी, कितनी अच्छी होने लगी, कितना कल्याण होने लगा। खूब सेवा करें, खूब अपनी पारनी बढ़ाएं, अपना पुण्य बढ़ाएं, खूब धर्म में पकें और खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्, भवतु सर्व मंगलम्, भवतु सर्व मंगलम्। मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे। सब नर नारी धर्म विहारी, सब नर नारी धर्म विहारी, घर घर सुख छाए रे, घर घर मंगल छाए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सेवक तेरा मंगल होवे, सेवक तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होवे रे। बेटी तेरा मंगल होवे, बेटी तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल हो रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे।
इस धरती के जितने प्राण